तो दोस्तों कैसे हो आप सब? मुझे अच्छी तरह पता है दोस्तों कि आपको पुरानी हवेली का सीरीज बहुत ही पसंद आया है, इसलिए दोस्तों मैं पुरानी हवेली का न्यू सीरीज लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मुझे पता है नोबिता कि तुमको रात को बहुत डर लगता है। नहीं जियान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर नोबिता इतने कांप क्यों रहे हो? वो तो जियान थोड़ा थोड़ा डर लगता है। मुझे पता था नोबिता कि तुमको डर लगता है। आज जियान मैंने मान लिया कि मुझे डर लगता है, अभी चलो ना घर जाते हैं। और वैसे भी डोरेमोन भी मेरे साथ नहीं है और मुझे बहुत डर लगता है। हाँ ठीक है नोबिता, चलो मैं आगे जाता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आना। ठीक है जियान। नोबिता ये क्या है? अरे जियान वो हमारा कुछ काम का नहीं है, चलो इधर से निकलते हैं। अरे रुक जाओ नोबिता, ये देखो उस पे एक खजाने जैसा निशान है। क्या जियान खजाना? नोबिता जरा धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा तो शायद यहाँ आ जाएगा। हाँ जियान ठीक है। नोबिता तुम यहाँ रुकना, मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है जियान, पर मुझे भी खजाने का हिस्सा चाहिए। अरे भुखर नोबिता, पहले खजाना तो हाथ में आने दे, उसके बाद जो लेना है ले लेना। बस एक बार मेरे हाथ में वो खजाना आ जाए उसके बाद नोबिता को। अरे जियान क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा उससे पहले खजाना निकाल लो। हाँ नोबिता। अरे नोबिता ये क्या है? खजाना चाहिए, अभी देता हूँ रुको। अरे भागो जियान। अच्छा हुआ बाल बाल बच गया, पर जियान अभी भी मुसीबत में है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ डोरेमोन के पास जाता हूँ। डोरेमोन! अरे क्या हुआ नोबिता, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे डोरेमोन जियान बहुत मुसीबत में है, चलो इधर से। अरे क्या हुआ नोबिता, वो तो पहले बताओ। अरे अभी बातें करने का टाइम नहीं है, समझने की कोशिश करो डोरेमोन, चलो मैं तुमको रास्ते में सब बताऊंगा। हाँ ठीक है चलो। तो तुम्हारा कहना है नोबिता कि इस हवेली में भूत है? अरे डोरेमोन पहले अंदर तो चलो। हाँ ठीक है चलो। अरे नोबिता यहाँ तो कोई नहीं है, और तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे डोरेमोन यहीं पर देखा था मैंने उस भूत को। अरे नोबिता चलो भूत को जाने दो, जियान कहाँ है? अरे जियान तो यहीं पर था, कहाँ गया? अरे नोबिता मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी सपना देख रहे हो। अरे डोरेमोन वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी, समझने की कोशिश करो। हाँ नोबिता मैं समझ गया, तुम्हें बहुत डर लग रहा है इसलिए उल्टा पुल्टा दिखता है। और हाँ अपने चश्मे का नंबर ठीक कराओ। अरे डोरेमोन ये सपना नहीं है, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। वाओ कितना अमेजिंग नज़ारा है,
कार मैं यहाँ रोज रोज आ पाता, मगर ये पोपट मुझे कभी यहाँ नहीं आने देगा। उसको तो जेसीबी की खुदाई देखने का शौक नहीं है, पर मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं तो रोज आऊंगा भले वो मना करे। मजनू, अब मुझे पता चला कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अभी सबक सिखाता हूँ, रुको। पोपट तुम मुझे घर लेके आ गए। मुझे घर नहीं आना था, मुझे जेसीबी की खुदाई देखनी है। तुम मुझे वापस ले चलो। हम वापस नहीं जाएंगे मजनू। जाएंगे, जरूर जाएंगे। देखो पोपट, अगर तुम्हें जेसीबी की खुदाई नहीं देखनी थी तो तुम अकेले आ सकते थे घर, तो मुझे कहाँ साथ में लाने की क्या जरूरत थी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें वहाँ छोड़कर मैं यहाँ अकेला घर आ जाता। वाह भाई वाह, कैसा जमाना आ गया है। देखो देखो पोपट, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मेरी चिंता करना छोड़ दो। अरे ये जेसीबी यहाँ क्या कर रही है, और यहाँ आजू बाजू कोई है भी नहीं। चलो मैं एक बार बैठ के देख लेता हूँ। चल पड़ी, कोई रोको इसे। पोपट बचाओ मुझे, पोपट। पोपट बचाओ मुझे, पोपट। अरे मुझे क्यों ऐसा लगा कि मजनू खतरे में है। चलो ये तो शायद मेरा वहम होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखा है और लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो यार, देख के रहे हो। और हाँ यार, अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो जो नीचे वाला लाल बटन है उसको यार दबाओ, तभी जाके आपको न्यू वीडियो मिलेगा भाई। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपको जेसीबी की खुदाई का वीडियो कैसा लगा। और हाँ यार, नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा, जो भी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा अलविदा एंड बाय।